बरेली जनपद की नगर पंचायत सेंथल में आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से हजरत चिराग अली शाह की दरगाह के पास एक विशाल फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वर्गीय अख्तर अली साहब के पुत्र डॉक्टर नाजिर अली, जो आला हजरत सर्जिकल और ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, के द्वारा चिकित्सा शिविर संपन्न कराया गया। आज के निशुल्क चिकित्सा शिविर में आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल सर्जन, डॉक्टर आफताब हुसैन अंसारी पूर्व चिकित्सक राम मनोहर अस्पताल दिल्ली, डॉक्टर फहद बिन हामिद ऑर्थो सर्जन, डॉक्टर लईक अंसारी, डॉक्टर नाजिर अली द्वारा लगभग 500 मरीज का चिकित्सीय परीक्षण कर निशुल्क दवाई वितरित की गई। इस अवसर पर आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रशिक्षित स्टाफ एवं अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न प्रकार की जांचें भी की गई। आज लगाए गए निशुल्क चिकित्सा शिविर में उपस्थित मरीजों में अधिकतर सामान्य रोगियों के अलावा बुखार, खांसी, बदलते मौसम के कारण शरीर और हाथ पैरों में दर्द व पथरी के रोगियों के अलावा पेट की बीमारियों से संबंधित रोगियों का भी उपचार कर निशुल्क दवाई वितरित की गई। आज के निशुल्क चिकित्सा शिविर में जहां नगर पंचायत सेथल के लोगों की संख्या अधिक रही, वहीं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले रोगियों ने भी कई प्रकार की जांचों के बाद कैंप में उपस्थित डॉक्टर से परामर्श कर निशुल्क दवाइयां प्राप्त की। आज लगाए गए निशुल्क चिकित्सा शिविर में नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इम्तियाज रजवी, साबिर अली, हाजी इरफान अली, हाजी मुन्ना फौजी, हाजी राहत, हाजी इरफान अलवी, अकरम खान, कौशर अली, अफसर अली, शाहिद नबी सहित नगर के संभ्रांत नागरिकों द्वारा चिकित्सा शिविर में सहयोग किया गया। चिकित्सा शिविर के समापन पर डॉक्टर नाजिर अली, डॉक्टर फहद बिन हामिद, डॉक्टर आफताब हुसैन अंसारी, डॉक्टर लईक अंसारी और डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, बरेली के सेंथल से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये लगातार आपका दूसरा कैंप है। डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के बिलसंडा में पहला कैंप आपने किया था, बड़ा कामयाब कैंप था, बहुत भीड़ थी, बहुत रश था। आज सेथल में दूसरा कैंप है, आज ज़्यादातर मरीज किस मरज के आए हैं यहाँ पर? ये कैंप तो कामयाब जब होता है जब मरीज बिल्कुल ना हो, जब लोग परेशान है, बीमार हैं, तो कामयाब नहीं कहेंगे, मतलब सही नहीं है वो। तो ज़्यादातर मरीज, उस मौसम चेंज हो रहा है, सीजनल मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किस टाइप के आज ज़्यादा मरीज यहाँ पर देखे? ज़्यादातर मरीज बुखार, जुकाम, पेट दर्द, पैरों में दर्द, कुछ आँखों के मरीज अच्छे खासे हैं। जैसे कि डेंगू का प्रकोप चल रहा है, क्या इस टाइप के भी कुछ मरीज देखे गए हैं? डेंगू नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन बुखार के मरीज अच्छे खासे हैं। जब तक जाँच ना हो डेंगू डिक्लेयर नहीं कर सकते। वायरल के मरीजों की क्या स्थिति रही यहाँ पर? ठीक ठाक हैं। बाकी और किस टाइप के मरीज देखे गए हैं? ज़्यादातर मरीज जिस तरह बीमारी संबंधित होते हैं, या बुखार के काफ़ी हैं, जुकाम है, पेट दर्द है, कुछ के मतलब पैरों में दर्द अच्छा खासा है, इस तरह मरीज काफ़ी हैं। अब बदलते हुए मौसम में किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए लोगों को? हाँ, लोग एकदम मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, एकदम मतलब ज़्यादा ठंड में ना जाए, अपने मतलब पूरे कपड़े पहने, यही सब का एहतियात। सर, मैं एक आप क्योंकि सर्जन है सर, हम ये देखते हैं कि जब पित्ते में पथरी हो जाती है तो लोग बड़े तो उससे कई बार और चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उधर क्या मैसेज देने जाए, क्योंकि इस एरिया में ये परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। पित्त में पथरी नहीं, कोई भी बीमारी है उसका इलाज सही टाइम पे कराना चाहिए, जितना लेट करेंगे बीमारी इतनी बढ़ेगी, उतनी दिक्कत आपको होगी। ठीक। डॉक्टर लईक साहब, जैसा कि पूरे प्रदेश में वायरल और डेंगू का प्रकोप चल रहा है, चूँकि आप इस वक्त सेथल में है मौजूद, तो हम सेथल और डिस्ट्रिक्ट बरेली के बारे में जानकारी चाहेंगे, यहाँ किस स्तर पर सरकार द्वारा वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और कितने स्तर पर डेंगू को कंट्रोल किया गया? देखिए, जिस तरह से बुखार का आजकल थोड़ा सीजन भी है और बुखार चल भी रहा है, तो बुखार को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर और CHC पर सभी पर व्यवस्थाएं संपूर्ण कर दी है। हर मरीज को देखा जा रहा है, प्रॉपर OPD हो रही है, यहाँ तक कि संडे के दिन आयुष्मान भारत योजना के तहत मेला लगा के भी मरीजों को देखा जा रहा है, और लगातार हमारे सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हर समय दिन रात मेहनत करके सभी मरीजों को इलाज की सुविधा मिले।
सेथल में क्या स्थिति है इस टाइप के मरीज? सेथल में भी मरीज बुखार के हैं, आज मरीज जो कैंप हुआ उसमें भी काफी बुखार के मरीज हैं, लेकिन अभी इनका एलाइजा टेस्ट के बाद कंफर्मेशन होगा कि डेंगू किसको है या किसको नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं फोबिया में ज्यादा है कि डेंगू एक तरह से फैला हुआ है। जो जिला बरेली के अंदर PSC और CSC हैं जी, उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार? उनमें सभी व्यवस्थाएं हैं, सभी जगह डॉक्टर्स मौजूद हैं, सभी जगह फुल स्टाफ है, और उसके अलावा सारे जो डेंगू वार्ड और मलेरिया वार्ड सभी CSC PSC पे बनवा दिए गए। जैसे कि डॉक्टर लाइक साहब, ब्लड बैंकों में जो है बड़ी तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ, ब्लड बैंक में जो परेशानी हो रही है उसमें जो ब्लड के लिए कभी एनीमिक पेशेंट जो पहुँच रहे हैं तो उनको ब्लड दिया जा रहा है और मिल भी रहा है। यहाँ तक के सभी सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ब्लड बैंक भी दे रही है, IMA की ब्लड बैंक भी दे रही है, सभी जगह ब्लड मिल भी रहा है। लेकिन असल में जो कैंप होकर जो स्टोर कम हो पाता है, इस वजह से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन लगातार होना चाहिए। डॉक्टर, ये कैंप क्यों लगाए जा रहे हैं, जगह जगह आप लोग लगा रहे हैं? ये कैंप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बुखार का प्रकोप बहुत ज्यादा चल रहा है, बुखार को कंट्रोल करने के लिए ये सारे कैंप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर नाजिर साहब, आज सेथल में इस कैंप के आप आयोजन करता है तो किन किन बीमारियों का मरीजों को यहाँ कैंप में देख रहे हैं? मेनली इसमें डेंगू फीवर है, एंट्रिक फीवर है, सारी सभी हड्डियों की बीमारी है, सर्जरी की है, सब कुछ, हर मरीज को यहाँ पर, हर तबके के मरीज को यहाँ पर देखा जा रहा है। लगभग आज कितने मरीज इस कैंप में आए होंगे? लगभग आप सुबह से कम 400-500 मरीज हम लोग देख चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा। किस तरह की सुविधाएं यहाँ कैंप में दी गई हैं? ब्लड प्रेशर है, शुगर की जांच वगैरह है, फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री लंगर भी करा गया है जो इन सब महकमे में, तो उसमें सभी तबके के लोग, गरीब अमीर चाहे कोई भी हो, सभी लोग इसमें आए हैं। यहाँ ये कैंप लगाने का क्या मकसद? यहाँ पर मेरे दादा काफ़ी टाइम से प्रैक्टिशनर हैं, वो पहले गवर्नमेंट थे, अभी इस टाइम पे वो है नहीं, तो वो मरून डॉक्टर करेली है, उनके बिहाफ पे मैंने ये कैंप लगाया है, उनकी याद में मैंने ये कैंप लगाया है।